अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, एजुकेशनल गाइडेंस के हवाले से वीडियोस का हमारा जो सिलसिला जारी है, तो आज इस सिलसिले की एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हर किस्म की वीडियोस मैंने देखी हैं यूट्यूब पर, लेकिन शायद इस तरह के वीडियोस नहीं है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको किसी ने नहीं दी होंगी, और मैं आपको सबूत के साथ दूंगा इंशाल्लाह। कि टॉपिक है हमारा कि किस तरह के लोगों को, किस तरह के बच्चों को ज़्यादा पढ़ना चाहिए और किस तरह के बच्चों को ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। ये सारी बातें मैं आज के साथ आज डिस्कस करूँगा सबूतों के साथ, और हर चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह, आप बेहतर फैसला लेने में कामयाब हो सकेंगे। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। तो हमारे माशरे में, पाकिस्तान के अंदर, तीन किस्म के लोग हैं कैटेगरी के लिहाज से। एक जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, दूसरे जो मतवसत तबका है, और थर्ड जो बिल्कुल ही गरीब है। तो ये तीनों लोग पाकिस्तान के अंदर हमारे माशरे में कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल कर सकें। तालीम के भी उनके अपने अपने मकासद होते हैं। जो पहले अमीर तरीन लोग तालीम हासिल करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि अपना स्टेटस हो, किसी को बता सके कि भाई इतना पढ़ा हुआ हूँ मैं। या अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो भी अपने जो स्टैंडर्ड के लोग हैं उनके आगे रोब झाड़ते हैं, जी हमारा बेटा फलां डिग्री कर रहा है, ये कर रहा है, हमारी बेटी वो कर रही है। तो एक होती है ये चीज़। और दूसरे जो मतवसत तबके के लोग होते हैं ना, वो बेचारे तालीम हासिल करते हैं सिर्फ रोज़गार की खातिर, कि उनके बच्चों को कोई अच्छा रोज़गार मिल जाए, इसलिए वो तालीम हासिल करते हैं। कोई बच्चा उनका टीचर लग जाएगा, कोई क्लर्क लग जाएगा, किसी प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर लग जाएगा, कोई इस तरह की चीज़। वो उनका मेन मकसद यही होता है कि वो नौकरी हासिल कर लें, किसी तरह की गवर्नमेंट जॉब, जो मतवसत तबके के लोग हैं। और थर्ड नंबर पर हमारे पास आते हैं जो गरीब तबका है, उनकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें, और उनकी ज़्यादा तालीम हासिल ना करें, वो बस इतनी तालीम हासिल करें कि उनको किसी क्लास 4, 5, 6 किसी भी स्केल के अंदर गवर्नमेंट जॉब उनको मिल जाए। तो मैं आपको बताऊंगा आज इंशाल्लाह कि किन लोगों को तालीम हासिल करनी चाहिए ज़्यादा, किन लोगों को नहीं करनी चाहिए, किन लोगों को किन मकसद करनी चाहिए, किन लोगों को कितनी तालीम हासिल करनी चाहिए। तो पहले नंबर पर जब जो हमारे पास सबसे ज़्यादा अमीर तरीन तबका है, जो अपने मशहूरी के लिए, रोब झाड़ने के लिए और मुकाबले के लिए तालीम हासिल करते हैं, वो अगर तालीम हासिल करें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अगर ना भी करें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर कर लेंगे तो अच्छा है। क्योंकि तालीम हमेशा नौकरी के लिए नहीं पढ़ा जाता, तालीम हमेशा नौकरी के लिए नहीं की जाती, ये तो इंसान को शऊर देती है। इसका असल मकसद इंसान को शऊर देना है कि घर में किस तरह से डील करना है, दोस्तों के साथ किस तरह से डील करना है, अगर आप किसी बड़ों की महफिल में जाते हैं तो वहाँ किस तरह आपने डील करना है। तो ये तालीम एक शऊर देती है कि किस तरह आप एक अच्छे सोसाइटी के मेंबर बन सकते हैं। इसका मकसद नौकरी हरगिज़ भी नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया, जो पहला तबका है अमीर तरीन, उसको खुली छूट है। अगर वो भी तालीम हासिल करेगा भी चल जाएगा, अगर नहीं करेंगे भी चल जाएंगे। तो दूसरे नंबर पे मेरे भाई आता है आपका जो मतवसत तबका है, उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि वो किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लें, इसलिए वो पढ़ते हैं। तो अगर मतवसत तबके के लोग हैं आप, अगर आपका बेटा या बेटी कोई बहुत ज़्यादा ज़हीन व फ़तीन है, तो आप उसे ज़्यादा पढ़ाएँ, उस पर ख़र्चा करें, उस पर रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट करें, उसको पढ़ाएं। क्यों? इसलिए कि अगर आपका बच्चा ज़्यादा ज़हीन तरीन है, तो आजकल जो कंपटीशन है, अगर वो कम्पीट कर सकता है तो वो गवर्नमेंट जॉब के अहल हो पाएगा, नहीं तो आपका जो बच्चा है वो 25 साल, आपके बच्चे के भी 25 साल ज़ाय हो जाएंगे,
और उसके बाद जो है ना आपका सरमाया भी ज़ाय हो जाएगा। ये जो 25 साल आप अपने बच्चे को पढ़ाने में ज़ाय करते हैं, जो सरमाया लगाते हैं, वो उससे अच्छा है किसी कारोबार में उसको एडजस्ट कर दें। 15 साल के 16 साल का बच्चा कारोबार कर सकता है, वो 15-16 साल में कारोबार स्टार्ट करेगा, जब तक 25 साल का हो चुका होगा उसका कारोबार बहुत फैल चुका होगा। मैं आपको एक इसमें मिसाल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, हम इकट्ठे मैट्रिक के तक पढ़े, फिर वो नालायक था, उसको ज़्यादा कुछ नहीं आता था, उसने अपनी स्टडी स्किप कर ली और वो उसने मैकेनिक कार गाड़ियों का मैकेनिक का काम सीखने चला गया। तो मेरे चूँकि अलहमदुल्ला घर वाले पेरेंट्स पढ़े लिखे थे, तो मैंने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट 10 से 15 साल के बाद जब मैं उससे मिला, तो उसके तीन शोरूम से गाड़ियों के तीन शोरूम्स, और मैं जितने महीने की तनख्वाह लेता हूँ, इतने ज़्यादा पढ़ पढ़ के एग्ज़ाम्स दे के ये करके वो करके मेहनत करके, वो एक दो दिन में अगर एक गाड़ी चली गई या एक गाड़ी खरीद ली या उसके जो किस्तों पे गाड़ियाँ देते हैं उसके एक दो दिन में उतने पैसे कमा लेता है। सिर्फ मैट्रिक पास है और मैं एमफिल और मास्टर दो दो तीन तीन कर रखी हैं। सारा दिन ट्यूशन अकेडमी और जितनी मर्जी मैं पढ़ा लूँ मेहनत कर लूँ, उसका मुकाबला मैं नहीं कर सकता अभी भी। और वो तब से कमाना शुरू हो गया था जब से उसने तालीम छोड़ी थी। जितना मेरा खर्चा होता था उस टाइम मैट्रिक के बाद, जब उसने तालीम छोड़ी, जितना मेरा खर्चा होता था उतना वो कमा के घर वालों को देता था उस टाइम। और 5 साल के अंदर अंदर वो बड़ा मैकेनिक बन गया। मैं अभी पढ़ रहा था, वो बड़ा मैकेनिक बन गया और उस टाइम उसने बड़ी अच्छी आमदनी मतलब के हासिल करना शुरू कर दिया। और अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना कारोबार शुरू कर लिया, शोरूम खोल ली और उसके शॉप्स उसने अपने वो एजेंट से रख लिया सारा कुछ। तो कहने का मकसद यह है कि अगर आपके पास पैसा है, तो अगर आप पैसे के लिए पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ना पढ़ें। पैसा तालीम के अंदर नहीं है, तालीम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पैसा हासिल नहीं होने वाला है। जितनी 25 साल आप पढ़ते हैं, 30 साल, उसके बाद भी चांसेस होते हैं कि अगर आपको जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, कैसी मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कितना आप कमा पाएंगे। अगर आप किसी हुनर को सीखते हैं, किसी कारोबार में एडजस्ट हो जाते हैं, तो उसी टाइम आपकी आमदनी आना शुरू हो जाती है और आपको श्योर होता है कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो चुका है। तो मेरे भाई, अगर आप मतवसत तबके से हैं और आप इतना नहीं अफोर्ड कर सकते, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अपने बच्चे को किसी कारोबार, किसी हुनर के अंदर एडजस्ट कर लें। और अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा जहीन है, कोई डॉक्टर बन सकता है, तो उस पर आप इन्वेस्ट करें, उस पर जितना कर सकते हैं करें। क्योंकि अगर वो डॉक्टर बन जाते हैं, तो आपके जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल खोलेगा, तो आपके घर के बहन भाई 3-4 मेंबर्स को वो आसानी से वहाँ पर एडजस्ट कर सकता है। कोई मेडिकल स्टोर पे रख लेंगे, कोई डिस्पेंसर, कोई वेटिंग रूम, या जिस तरह होता है अमला अस्पताल का था। तो अगर आपका बच्चा जहीन है, डॉक्टर बन सकता है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप उस पे इन्वेस्ट करें। अगर आप नहीं कर सकते, या आपका बच्चा ज़्यादा जहीन नहीं है, तो उसको इतना फ़र्क पड़ाएं कि उसको समझ बूझ लग जाए ज़माने की। उसको ज़्यादा तालीम देने की हमाकत मत करें अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आगे चलकर आपके लिए मुश्किलात ना हो। तो आप चलते हैं थर्ड जो हमारे पास सबसे ज़्यादा गुर्बत के लड़के थे, जो नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए उनको मैं मशवरा दूंगा कि आप अपने बच्चे को तालीम दें। अच्छी चीज़ है, जितना आप दे सकते हैं, जहाँ तक मैट्रिक तक तालीम मुफ्त है आप दें। बच्चे के अंदर समझ आ जाएगी, कुछ उसको पता चल जाएगा ज़माने के चक्कर क्या है, वो एक समझदार बच्चा बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने बच्चे से तालीम स्किप करवा देनी है और किसी कारोबार, किसी हुनर, किसी कोई चीज़ सिखाएं उसको, ताकि वो उसी टाइम से अपनी फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर दे, बजाय 10-15-20 साल पढ़ने के फिर गवर्नमेंट जॉब हो या ना हो, क्योंकि आपके पास कोई सिफारिश नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जॉब भी आपकी शॉर्ट शॉर्ट नहीं है, आप इतना खर्चा भी करें, बच्चे का टाइम भी ज़ाया करें, पीछे भी आपके पास कुछ ना रहे, क्या फ़ायदा उसका। इससे अच्छा है आप किसी अपने बच्चे को किसी इस तरह के सिस्टम में, किसी हुनर में लगा दें, ताकि आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए और आपके बच्चा आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा 2-3 साल के अंदर अंदर। और इंशाल्लाह अगर वो मेहनती, लगन और ईमानदारी से काम करेगा, तो बहुत ज़्यादा तरक्की भी कर जाएगा। तो दोस्तों, ये चीज़ होती है, इन चीज़ों को देखें। अब आपने फैसला करना है कि आप कौन सी कैटेगरी के
अंदर फाल करते हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आज की ये गाइडेंस थोड़ी सी मैंने आपको दी है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो बराए मेहरबानी मेरी इस वीडियो को लाइक करना हर कोई भी मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना छोड़ें, अभी जाके सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरह की एजुकेशनल गाइडेंस के हवाले से, न्यूज़ के हवाले से और करियर काउंसलिंग के हवाले से मैं वीडियोज़ लाता रहता हूँ। पहले भी मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियोज़ मौजूद हैं अगर आप देखना चाहें तो दोस्तों इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखा दें और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।